जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो फाइनली मैं पहुंच गई मेरे गांव, मेरे काकोसा के घर पे, मेरे छोटे भाई की शादी में। तो यहाँ पे हम लोगों को तिलक लगाया जा रहा है, क्योंकि हमारे में ये रिचुअल्स होता है कि शादी में जब हम आते हैं तो सबसे फर्स्ट हमें तिलक लगाया जाता है, उसके बाद में हमें घर में एंट्री मिलती है। तो यहाँ पे काकी सा हुकुम है जो मुझे तिलक लगा रहे हैं, किसू के पापा को तिलक लगा दिया। तो बस यहाँ पे ये जो मेरे बड़े मम्मी भी साथ में ही खड़े हैं, ये लोग गीत भी गा रहे हैं और हमारा वेलकम हो रहा है। तो हमें तिलक लगा दिया गया है, अब यहाँ पे बारी आई है किसू और प्रिया की। तो यहाँ पे काकी सा किसू और प्रिया को भी तिलक लगा रहे हैं, उनका भी वेलकम कर रहे हैं। और हल्दी का फंक्शन है जो यहाँ पे अभी पूरा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए किसू के पापा के साथ में हमारे दूल्हे राजा और मेरे काकू सा हुकम खड़े हैं। क्या चल रहा था, हल्दी का फंक्शन, लेकिन हम लोग आए लेट इसलिए पूरा हो गया। मेरे को बता। अभी मेहंदी का फंक्शन होने वाला है। अच्छा यूं? हाँ। ये देखिए, ये मेरे सबसे छोटे वाले बुआ सा और ये भतीजा। तो हल्दी का जो फंक्शन है वो हो चुका है पूरा, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन अभी यहाँ पे फोटोशूट चल रहा था। तो फिर हमने भी अक्षय के साथ में यहाँ पे जो दूल्हे राजा है उनके साथ में हमने फोटो खिंचवा लिए। और अब मिलिए मेरे दादी सा से, छोटे दादी सा है ये मेरे छोटे दादी सा। तो सबसे मिलना हो गया और फोटोशूट भी हो गया हमारा। हमारे छोटे भाई के साथ में हमने फोटोज़ भी ले लिए, सबसे मिल भी लिए। तो अब खाना भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे सब भोजन करने बैठ गए हैं, तो बस मैं और प्रिया भी साथ में। वैसे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कचौरी खा के आए थे इसलिए। तो यहाँ पे ये देखिए भोजन में चक्की है, दाल चावल है, सब्जी रोटी। तो पहले भोजन कर लेते हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया और अब हम लोग जा रहे हैं हमारी मम्मी के पास में। किसू इधर आ। और मम्मी को अभी तक पता नहीं है कि किसू भी हमारे साथ में आई है ना। फिर वापस आएंगे यहाँ पे, हमारा घर थोड़ा दूर है। तो हम पहुंच गए हैं गांव। इधर की साइड है हमारी पोल। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारी पोल में, जो हमारा बास है वहां पर। जो काकोसा हुकुम का घर है वो थोड़ा सा दूर बाहर बना हुआ है। तो अब चलिए मिलते हैं मेरी मम्मी से। तो ये तो हम आ गए नानी के घर पे और ये है मेरी नानी। क्योंकि नानी सा के जमाई सा घड़े इसलिए ना किसू। और देखो बच्चे कितने खुश हो गए नानी के घर पे आगे। सबसे ज्यादा ये कान्हा, इसने तो वहाँ पे मम्मी खाना भी नहीं खाया, कब से कह रहा है नानी के घर। जल्दी मेरी मम्मी से मिल ली। लोग वापस से जा रहे हैं अभी शादी वालों के घर पे, क्योंकि वहाँ पे आया मायरा। और मायरा क्या होता है ये बताएंगे हमारे रेखा के भाई। क्या होता है भाई मायरा? कपड़े आते हैं। कहाँ से? फिर से कपड़े आते हैं। तो उनके भाई वगैरह आए तो वो कपड़े लेकर आए, तो वही सब कार्यक्रम में तो हम सब जा रहे हैं। ये सारे मेरे काकी सा हैं और वो मेरे बड़े मम्मी दीदी के गोरी भाभी। तो हम लोग पहुंच गए काकोसा के घर पे, लेकिन हम लोग जब तक आए तब तक जो उनके भाई वगैरह जो उनके पियर से आए थे उनको सबको तिलक लगा लिया गया था। और बस वो लोग अंदर टेंट के अंदर बैठे और यहाँ पर सारे जो लेडीज हैं वो बैठकर गीत गा रहे हैं। तो अब जो मायरा में वो लेकर आते हैं कपड़े वगैरह वो आएंगे सारे, तब तक वो सब बैठे हैं और यहाँ पे गीत का कार्यक्रम चल रहा है। तो
मायरे का जो भी कार्यक्रम था वो यहाँ पे पूरा होता है। और ये जो मायरा अभी भरा वो सेकंड मायरा था, मतलब फर्स्ट मायरा 2 साल पहले जब काकोसा की 2 बेटियों की शादी हुई थी तब इन्होंने हमारे में पहला जो मायरा भरते उसे बड़ा मायरा बोला जाता है वो भर दिया। मायरा मतलब भात भी होता है, तो ये सेकेंड मायरा था। तब भी इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब खर्चा किया, सबके बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए, आंटी जी के भी गोल्ड में आई दोनों हाथ की जो पूनच बोली जाती है वो, और कैश वगैरह जो भी होता है वो, तो सब अच्छे से हो गया। और उसके बाद में सारे लेडीज़ जो गीत गाते हैं उनको गुड़ दिया जाता है। तो बस ये कार्यक्रम अभी हो चुका है और शाम को है संगीत संध्या। लेकिन उससे पहले जो भी गेस्ट आते हैं तो उन्हें तिलक लगाकर अंदर घर में वेलकम किया जाता है। तो अभी जो मेरे काकोसा की 2 बेटियों की 2 साल पहले शादी हुई थी तो उनको तिलक लगाया जा रहा है। बेटियाँ तो उनकी पहले आ चुकी थी लेकिन जो जमाई सा है वो आज ही आए हैं, तो बस अभी उनको यहाँ पर तिलक लगाया जा रहा है और वही सारा रिचुअल्स अभी यहाँ पर चल रहा है। घर पे और ये देखिए गुड़ भी लेके आई हूँ मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं आई थी वहाँ पे। और मैंने यहाँ पे आने के बाद में थोड़ी सी मेहंदी लगाई और किसु अभी मेहंदी लगवा रही है वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो किसु मेहंदी लगा रही है, किसु दोनों हाथ बता आगे नहीं लगाई क्या, इतना ही बनाएगी। और मेहंदी लगाने वाली और ही गुनू, ये तनीसा भी बता रही है अपनी मेहंदी, बता मस्त लगाई, मस्त लगाई है गुन्नू। तो ये हमारे पूजा के मम्मी, पूजा के मम्मी है लेकिन मेरे आंटी जी लगते हैं जो मेरे बहुत ही खास है। और आज ये जा रहे हैं शादी में, देखो तैयार होके पूरे मस्त लगे रहे हो आंटी जी एकदम मस्त। हमारे बच्चों के सबसे फेवरेट नानीसा है क्योंकि बच्चे इन्हें देख के इतने खुश होते हैं कि ये नानीसा हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट होनी आशा। और हमारा सबसे ज्यादा वेट भी यही करते हैं और हमेशा ये काम में ही रहते हैं। आज ये रेडी होके जा रहे हैं इसलिए मैंने सोचा चलो आज इनको ब्लॉग में लिया जाए। हम लोग हो चुके हैं रेडी क्योंकि स्टार्ट होने वाली है संगीत संध्या। और मैंने पहनी है राजपूती ड्रेस, वो बाद में हम बताएंगे अभी की। मैंने पहना है लहंगा और मैंने भी पहना हमारा राजपूती ड्रेस, हमने भी पहना राजपूती ड्रेस। पहले खाएंगे खाना, हमारी टीम हो चुकी है रेडी डांस और खाने के लिए, तो हम लोग पहुंच गए काकोसा के घर पे। और यहाँ पे देखिए इतना शानदार घर को सजाया गया, इतनी प्यारी सी लाइटिंग, इतना शानदार डेकोरेट किया गया है घर को, ये देखिए। तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं और जो रात का ये नज़ारा था ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से एंट्री होती है, उस टाइम हम लोग दिन में आए थे तो इतना अच्छा व्यू नहीं था। तो यहाँ पे देखिए काकोसा हुकुम खड़े हमारे वेलकम में, तो ये हमारे काकोसा हुकुम जो आज एकदम शानदार लग रहे हैं, दूल्हे के पापा, दूल्हे के पापा। और यहाँ पे ये दूल्हे के भाई भी खड़े हैं, हमारा भी इंट्रोड्यूस कीजिए। ये मेरा सबसे 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 छोटा तो नहीं है लेकिन छोटा भाई है मैं, और उधर नरेंद्र मनीष। और ये आ गए हमारे सबसे छोटे लीला बुआ जिनका अभी चेहरा दिखाई, ये रहे हमारे लीला बुआ जो आज हमारे लीला बुआ भी बहुत शानदार लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं लीला बुआ। चलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो काकोसा का घर है उनके पीछे ही उनके बहुत ही बड़ी जगह ले रखी है तो वहीं पे सारी व्यवस्था की गई है। तो खाने का प्रोग्राम घर के जस्ट पीछे ही है तो वहाँ पे हम सारी बहनें बुआ सा भाई सा मम्मी सब लोग बैठ गए, नीचे ही बैठ गए क्योंकि है ना आज है ना बहुत ही बड़ा खाने का होता है, सबको बुलाया जाता है तो उससे क्या आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग जहाँ पर हमें जगह मिली हम लोग बैठ के खाना खा लेते हैं क्योंकि फिर है ना संगीत संध्या शुरू हो जाएगी इसलिए। तो खाने में भी फटाफट से थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर रेडी हो रही है मेरी खाने की प्लेट। तो पहले सब मिलकर खाते हैं खाना, उसके बाद में सब करेंगे डांस।
तो हम सब बहनों ने, बुआ सा ने, इन सब ने तो खाना खा लिया, खाली काकी सा हुकम और बड़े मम्मी और भाभी सा लोग बाकी रहे, तो वो लोग कर रहे हैं भोजन। और यहाँ पे तब तक देखिए हमारे जो अक्षय बना है, मतलब मेरा छोटा भाई दूल्हे राजा रेडी होके आ गए। तो दूल्हे राजा रेडी होके आ गए और सब लग गए हैं उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाने में। तो सबसे पहले बुआ सा लोग ने फ़ोटो खिंचवाया और यहाँ पे अब ये मेरे ताऊ जी की तीन बेटियाँ हैं, वो तीनों आए, तीनों मेरे दो मेरे से बड़े और एक मेरे से छोटी है सोनू। और उसके बाद में हमारा टर्न भी आ गया। तो ऐसे सब एक 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 करके फ़ोटो खिंचवाते जाएंगे और जो हमारा संगीत संध्या का प्रोग्राम है वो भी आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबका भोजन हो चुका है। तो बस अब खाली सबके डांस के परफॉर्मेंस बाकी रहे हैं और सब ने बहुत ही शानदार डांस की प्रैक्टिस कर रखी है, तैयारियां कर रखी है। और अब मिलिए मेरे मामूसा के बेटे मनीष से, जो भी ये भी आया है शादी में, तो ये तो अभी आया था थोड़ी दूर पहले। और बस अब यहाँ पे शुरू होता है डांस का जो भी कार्यक्रम है हमारी संगीत संध्या हमारे क्रियान से। तो अब मैं दिखा देती हूँ हमारे तनिषा का फाइनल लुक। यहाँ पे देखिए माँ बेटी ने दोनों ने मैचिंग किया, दोनों ने एक जैसी ड्रेस सिलवाई और तनिषा यहाँ पे आज बेबी डॉल लग रही है, पूरी राजपूती पोशाक पहन के रेडी हुए हमारे तनिषा बाईशा। और ये भी बहुत ही शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाले डांस मत लग रही है मानसी। तो यहाँ से शुरू होती है हमारे अक्षय की शादी की संगीत नाइट। नाइट ही बोलूँगी, संध्या नहीं बोलूँगी क्योंकि रात हो चुकी है। और इस संगीत नाइट में सबसे पहला परफॉर्मेंस लेकर आई है हमारी तनिषा। Oh,
12:30 बज रहे हैं और हम लोग आ गए। मैं तो इतना ज्यादा डांस किया नहीं, बाईसा ने बहुत सारा किया, प्रिया ने और तनीसा दोनों ने बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अब सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह निकलेगी बारात जल्दी से। तो अब इस ब्लॉग को तो यही पे ऐड करते हैं। अब कल का जो ब्लॉग होगा वो होगी बारात की रवानगी और जो कुछ भी होगा वो, है ना, तो इसको तो यही पे ऐड कर देते हैं। तनीसा ने बहुत ही अच्छा डांस किया था अभी तक, तो डीजे तो चल रहा है, मतलब सारे जो पीछे बचे वो ऐसे डांस कर रहे हैं, सबका मिक्स चल रहा है। तो यही हमारा ब्लॉग जो है यही एंड होता है।